पानीपत जम्मू में पानीपत के लाल की शहादत, आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मेजर आशीष की हुई शहादत। मेजर आशीष मूल रूप से पानीपत के भिंजौल गांव का रहने वाला। फिलहाल आशीष का परिवार पानीपत के सेक्टर 7 में किराए के मकान पर रहता है। आतंकियों से मुठभेड़ में 3 सेना के अफसर व 1 जवान शहीद। जम्मू के अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने किया हमला। जवान की मौत। राजौरी में मंगलवार को हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी भी मारे गए। पानीपत से अर्थ प्रकाश के लिए मदन बरेजा की रिपोर्ट। क्या कहेंगे, आपको कब पता चला, थोड़ा आशीष के बारे में बताइए। हमारे शाम के 9 बजे पता चला। हमने बहुत बड़ा दुख व्यक्त किया। लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही सामाजिक लड़का था। देश के प्रति कुर्बान होया। गांव गांव इसकी इंतजार कर रहा, इसकी डेड बॉडी की। और भैया वह हम सरकार से भी मांग करेंगे, इसके नाम कुछ होना चाहिए, यूमर होना चाहिए। बचपन में कैसे थे? बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया सूझे लड़के थे। कोई ऐप नहीं था, कोई भी खेलकूद में अच्छे। हाँ, खेलकूद में बहुत बढ़िया थे। गांव में भी आते थे, छुट्टी वजह से आते थे, आप लोगों से मिलते थे, कैसा व्यवहार था? हैं, गांव में आते थे छुट्टी पर, आप लोगों से मिलते? सबसे मिलते थे, बहुत बढ़िया व्यवहार था। हंसी मजाक करते थे, प्यार था सब लोगों से। गांव में एक अलग ही लड़का था, अलग ही लड़का था, बहुत बढ़िया विचारों का था लड़का था, जो मेरे गाँव में बहुत बढ़िया विचारों। उन्होंने शहादत दी है देश के लिए, क्या कहेंगे? शहादत दी हमने गौरव इस पर, और हम मांग करें गवर्नमेंट से इसके नाम कुछ होना चाहिए। देश के लिए कुर्बानी दी है, निडर लड़का था। आपका क्या नाम? रामचंद्र। बताइए, शहादत उन्होंने देश के लिए दी है, पूरा देश आज उन पर गर्व कर रहा है, और कैसा उनका व्यवहार था, बचपन में कैसे थे, थोड़ा उनके बारे में बताइए। आशीष एक बहुत ही मेहनती और शील स्वभाव का बच्चा था, और इसके पिताजी जो थे फर्टिलाइज़र में नौकरी कर रहे थे। तो ये लड़का ठीक ठाक पढ़ लिख कर अपना लेफ्टिनेंट भर्ती हो गया था। उसके बाद इसके प्रमोशन होने के बाद ये इस पोस्ट पर पहुंचा था। लोगों से कैसा मेल जोल था, मेल भाव कैसा था जब घर पर आते थे? ऐसा है, गांव छोड़ कर जब ये बच्चा थोड़ा सा समझदार होया तो ये शहर में रहने लग गए थे। गाँव में कभी कभार का मिलना होता था, ठीक नेचर थे। हम कहीं रास्ते गली में मिलते तो अच्छे से राम राम नमस्ते पैर छूता था, हर किसी का मान। हाँ, सब बिल्कुल बिल्कुल। आज उन्होंने शहादत दी है देश के लिए, बहुत बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। हाँ। पूरा जो है जिला, आज पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? कहना यही था भाई साहब, जिस माँ बाप का एक जवान बच्चा, एक ही बच्चा जिस परिवार में हो, उसके ऊपर क्या बनती है, आप सब अच्छे से समझते हो। हर रोज़ की जैसे कि हम उन वे हमारे 2 मारते हैं, हम उनके 4, 5, 6 मारते हैं, तो उससे कुछ हल नहीं होने वाला, अंत हो गया। ये तो चलता रहेगा। किसी राजनेता का बच्चा थोड़ा इसमें दिक्कत में आता है, ये तो एक गरीब परिवार के बच्चे उसमें भर्ती होते हैं। तो इसमें आर पार का कोई सरकार ने कदम उठाना चाहिए, इससे अच्छा मौका भी नहीं होगा। जो मौका आज मोदी जी के पास है, तो बदला लेना चाहिए। बदला तो लेते लेते ज़िंदगी गुजर जाकर बदले तो होते नहीं पूरे, लेकिन सिस्टम ही होना चाहिए कि बार आर पार समाधान। हाँ, क्योंकि समाधान क्या उसने समझना ही नहीं पाकिस्तान ने। इससे बुरा हाल कभी किसी देश का हुआ नहीं जितना उनका हो रहा है। अब भी वो समझ नहीं रहे तो कब समझेंगे? उनको तो बिल्कुल धूल में मिला आ जाए तभी कामयाबी मिलेगी। हर देश तंग है इस पाकिस्तान से। ठीक है, क्या नाम आपका? नरेंद्र बिंजौल। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।